दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे झारखंड व्यक्तित्व परिचय पार्ट 27 में रामदयाल मुंडा। ये बहुत बड़ा नाम है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए और इससे क्वेश्चन भी फ्रिक्वेंटली आते हैं। ठीक है, सबसे पहले रामदयाल मुंडा थे कौन? देखिए, एक शिक्षाविद, ये शिक्षाविद मतलब एक शिक्षक टाइप के, भाषाविद जो भाषा का बहुत ज्यादा ध्यान रखता हो, एक राजनीतिज्ञ नेता भी थे, समाज सुधारक ये भी थे। ठीक है, बहुत बड़ा विलक्षण प्रतिभा थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके पास प्रतिभा थी। उसके बाद कलाकार थे, डांसर भी, ये कलाकार मतलब डांसर भी थे, बहुत सारे इसमें क्वालिटियां थी, तो सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये भी याद रख लीजिए कि इसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है। ठीक है, इसकी पूरी जीवनी के लिए एक पिक्चर बनी है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस पिक्चर का नाम है नाचिते बाची। ठीक है, इसको बनाया है मेघनाथ ने, मेघनाथ और एक टोप्पो नाम के कोई ये थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मेघनाथ और टोप्पो, नाम याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, ये दोनों का नाम हमेशा याद रखिएगा। मेघनाथ जो फिल्म प्रोड्यूसर है वो झारखंड का है, ये टोपो भी झारखंड का है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेघनाथ झारखंड का है। और रामदयाल मुंडा के ऊपर जो जीवनी है वो नाचिते बाची नाम है उसका। ठीक है, इसका जो जन्म स्थान है देख लीजिए, ये इसका जन्म हुआ था 23 अगस्त 1939 ईस्वी में। ठीक है, वर्ल्ड वार शुरू हो गया इसी साल 1939 से 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वार चला था। इसकी मृत्यु 30 सितंबर 2011 में, हाल फिलहाल में इसकी डेथ हुई है। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपको याद रखना है तो याद रखिए। जन्म स्थान था रांची के तमार प्रखंड के दिवड़ी गांव में, गांव। ठीक है, ये गांव का नाम जो भी याद रखिए, रांची इसका जन्म स्थान था, ये भी आप इसे याद रख लीजिए। इसकी मौत हुई थी 2011 में दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में कैंसर के वजह से। आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखिए इसकी माध्यमिक शिक्षा जो हुई थी खूंटी के अल्मेशा लुथरन मिशन स्कूल में इसकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। ठीक है, कहां पे? ये वहीं पे थे, खूंटी जिला में। ठीक है, ये तमार ब्लॉक में ही। ठीक है, ये तमार ब्लॉक में। उसके बाद ये अपना उच्च शिक्षा जो ये किया, माध्यमिक जो किया ये खूंटी हाई स्कूल से। ठीक है, खूंटी हाई स्कूल से। उच्च शिक्षा रांची यूनिवर्सिटी से किया, रांची यूनिवर्सिटी से एमए किया उन्होंने। ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताऊंगा मानव विज्ञान से। उसके बाद इम्पोर्टेंट ये है कि ये पढ़ने के लिए विदेश कहाँ पे गए। ठीक है, पढ़ने के लिए उसका विदेश चले गए, शिकागो यूनिवर्सिटी। ठीक है, शिकागो बहुत फेमस शहर है मांस के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा मांस मंडी शिकागो है। ठीक है, शिकागो यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाई किया भाई इसने? वहां पर पीएचडी किया भाषा विज्ञान में। ठीक है, तो यही कि भाषाविद है ना, तो भाषा विज्ञान में पीएचडी उधर किया शिकागो यूनिवर्सिटी में। और कोई भी पीएचडी करने वाला शोध करता है, रिसर्च करता है, तो रिसर्च इसने क्या किया था, दक्षिण एशियाई भाषा एवं संस्कृति, इस पे इसने पीएचडी किया था। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था और ये जो पीएचडी किसमें किया था, दक्षिण एशियाई भाषा और संस्कृति में, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे हम लोग चलते हैं, ये देख लीजिए, ये जब लौट के आए तब से इसका रोल शुरू हो रहा है। 1982 ईस्वी में ये बहुत बड़ा काम किया था इन्होंने। ठीक है, कहा उस समय रांची यूनिवर्सिटी के जो कुलपति थे, चांसलर थे, कौन? डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह, ये उस समय के चांसलर थे। और इसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है, डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह। ठीक है, इसके ऊपर वीडियो बनाना। ये उस समय चांसलर थे, तो इसको वाइस चांसलर बनाया गया किसको?
रामदयाल मुंडा वीसी बनाया गया, रामदयाल मुंडा को उसके कार्यकाल के दौरान। और उसी समय एक बहुत बड़ा काम हुआ था, आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा विभाग बनाया गया था, आदिवासी एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, क्षेत्रीय भाषा विभाग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कहाँ बनाया गया था? रांची यूनिवर्सिटी में। कौन कौन बनाया? डॉक्टर कुमार सिंह, कुमार सुरेश सिंह प्लस रामदयाल मुंडा। और इसका पहला अध्यक्ष मतलब पहला जो इसका हेड जो था आदिवासी क्षेत्रीय भाषा विभाग का, वो रामदयाल मुंडा को बनाया गया था। और ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि किसी भी इंडिया के यूनिवर्सिटी में, किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी में सबसे पहला आदिवासी एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची यूनिवर्सिटी में बना है, किसी भी इंडिया की यूनिवर्सिटी में। आजकल तो हर यूनिवर्सिटी में ये विभाग है, लेकिन सबसे पहले रांची यूनिवर्सिटी में बना है, इंडिया में सबसे फर्स्ट। और इसका पहला जो हेड था इस विभाग का हेड, दैट इज रामदयाल मुंडा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अब देखिए, ये कलाकार भी थे, तो कलाकार ये किस क्षेत्र में कला में इसकी उपलब्धि थी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जानने का। तो ये कलाकार थे पाइका डांस, ठीक है, पाइका नृत्य, जिसको पाइका मतलब होता है सैनिक, ठीक है, सैनिक, सैनिक के वेशभूषा में इस डांस में डांस किया जाता है। तो ये थे पाइका डांस के में महारत थे, पाइका डांस। ये मास्को जब गए थे, भारत महोत्सव मनाया जा रहा था मास्को में, ठीक है, तब उसके हेड थे पाइका। भारत महोत्सव में भारत की परंपरा का झलक दिखाने के लिए बहुत चीजें गई थी, उसके सारे के हेड यही थे रामदयाल मुंडा, प्लस इसने पाइका डांस को वहां पे प्रदर्शन किया था, पाइका डांस अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ पाइका डांस। तो इस एक पूरे दुनिया में पाइका डांस को प्रसिद्धि किसने दिलवाई, उस क्वेश्चन का जवाब भी होगा, रामदयाल मुंडा, ठीक है। वो रामदयाल मुंडा से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीओजेएम जानते होंगे आप लोग, सीओजेएम, ठीक है, कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स, ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं झारखंड विषयक समिति, विषयक समिति। जब झारखंड आंदोलन चल रहा था, झारखंड को बिहार से अलग करने की बात चल रही थी, उस दौरान बहुत सारे मीटिंग हुए, बहुत सारे बड़े बड़े जैक बना, झारखंड सीओजेएम बना, बहुत सारे चीजें बना था। तो उसमें से सीओजे उस प्रक्रिया में, झारखंड आंदोलन की प्रक्रिया में भी एक बहुत बड़ा चीज था झारखंड विषयक समिति, जिसका हेड बूटा सिंह था उस समय के, तब मतलब मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग का हेड बूटा सिंह था उस समय के होम मिनिस्टर। वो झारखंड विषयक समिति का एक मेंबर रामदयाल मुंडा भी था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये झारखंड विषयक समिति कब बना था? 1989, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसी दौरान जब झारखंड विषयक समिति के ये थे सदस्य थे, उसी दौरान एक बहुत अच्छा इन्होंने आलेख लिखा था, ठीक है, ट्यूटोरियल लिखा था। उस ट्यूटोरियल को पूछा जाएगा ये ट्यूटोरियल किसने लिखा था, झारखंड मूवमेंट, मूवमेंट प्रोस्पेक्ट एंड द झारखंड मूवमेंट रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, पहले रिट्रोस्पेक्ट है, द झारखंड मूवमेंट रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, ठीक है, प्रोस्पेक्ट मतलब झारखंड मूवमेंट का क्या प्रभाव होगा, उसका नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, इस चीज के ऊपर आलेख लिखा था बहुत अच्छा से, जो बहुत उस समय चर्चा का विषय था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसने लिखा था ये। दूसरी बात, ये बहुत बड़े समाज सुधार कलाकार, तो पता चल गया कि पाइका डांसर थे, और इसीलिए इसे संगीत कला एकेडमी भी मिला है, वो तो कलाकार को ही मिलता है, बाद में पता, शिक्षा भी तो अभी पता चल गया कि ये प्रोफेसर था, उपकुलपति था, ठीक है, तो ये प्रोफेसर है। बाद में कुमार सुरेश सिंह जब रिटायर्ड हुए, तब जाके ये कुलपति भी बने थे, ऐसा चांसलर भी बने थे, ठीक है, भाषा वैज्ञानिक थे, क्योंकि भाषा विभाग, झारखंड भाषा विभाग, आदिवासी एवं भाषा विभाग की स्थापना किया था। राजनीति क्यों थे, वही पता चलेगा। लेखक भी थे बहुत बड़े, ठीक है, लेखक भी थे बहुत बड़े। तो लेखक में इसने एक पुस्तक लिखा था आदि धर्म, ये आंख मूंद के याद कर लीजिए किसने ये किताब लिखा, वेरी इम्पोर्टेंट, ये आदि धर्म।
इस बुक में इन्होंने बताया था आदिवासियों को एक उच्चा सम्मान सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड लेवल पे दिया है। ये आदि धर्म बुक को वर्ल्ड लेवल के ट्राइब्स पढ़ते हैं, बहुत डिमांड है इस बुक का। इस धर्म में, इस बुक में ये इसने बताने का कोशिश किया है कि आदिवासी का जो धर्म है वो आदि धर्म है, ठीक है। आदि मतलब आदिवासी धर्म, इसके धर्म को इन्होंने आदिवासी धर्म नाम दिया है। इसकी परंपरा को, ये इनके जेनेसिस को सबको बहुत अच्छा से समझाया है, तो आदि धर्म। इन्होंने आदिवासियों के धर्म, ये भी क्वेश्चन होगा कि इन्होंने आदिवासियों के धर्म का क्या नाम दिया, आदि धर्म, ठीक है। तो आदि धर्म पुस्तक लिखा किसने, रामदयाल मुंडा। दूसरा पुस्तक देखिए सरहुल मंत्र, सरहुल मंत्र ये बहुत अच्छी पुस्तक है, ये बहुत फेमस है। इस पुस्तक में इन्होंने एक कल्पना किया है कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े समाज सुधारक हुए, महान आदमी हुए, गांधी, लेनिन, कार्ल मार्क्स, नेहरू, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, सारे को एक जगह ये बैठाना चाहता है, एक ही लाइन पे बैठाना चाहता है और सबसे मतलब बातचीत करवाना चाहता है। यही है सरहुल मंत्र में इसी चीज की चर्चा हुई है और इस किताब को बहुत आदमी पढ़ते हैं, ठीक है। ये दो बुक आप कभी भूलिए मत। आगे बुक है हिसीर, एक बुक है हिसीर, ये भी बहुत लाइमलाइट हुआ था। हिसीर मतलब गीत होता है, गीत को हिसीर कहते हैं मुंडारी भाषा में। और ये बहुत सारे, इसमें 60-70 किताबें लिखी है, लेकिन इसको यही सब याद रखना पड़ेगा, मुंडारी की कहानियां, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, मुंडारी की नई कहानियां। नई कहानियां किसने लिखा, इसी ने लिखा। मुंडारी व्याकरण किसने लिखा, एक किताब का नाम है, इसी ने लिखा। श्री बुधू बाबू और उसकी रचनाएं, श्री बुधू बाबू एवं उसकी रचनाएं, ये किताब किसने लिखा, उसकी रचनाएं, इसी ने लिखा, रामदयाल मुंडा ने। और क्या पूछेगा भाई, रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर जो हाईलाइट हुए थे, रामधारी सिंह दिनकर का जो सबसे अच्छा रचना है रश्मि रथी, ठीक है, रश्मि रथी, ठीक है, रश्मि रथी, रश्मि मतलब सूर्य का रथ। तो इसी को इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया था, रश्मि रथी को, ठीक है, द सन चैरियटर के नाम से। द सन चैरियट मतलब होता है घोड़ा, ठीक है, द सन चैरियट मतलब होता है घोड़ा गाड़ी, द सन चैरियटर, ठीक है, घोड़ा को चलाने वाला, द सन चैरियटर, ये रश्मि रथी का इन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो आलेख द झारखंड मूवमेंट रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने चीज इसकी राइटिंग में याद रख लीजिए, तो इससे हमें पता चल गया लेखक क्यों है, ये भी पता चल गया। ये आगे हम लोग चलते हैं, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। लेखक पता चल गया इसलिए बता दिया, अभी राजनीति की और समाज सुधारक के बारे में भी पता चलेगा, कितने बड़े राजनीतिज्ञ थे, समाज सुधारक थे। अभी हम पढ़ते हैं, देखिए 1985 से 86 के बीच में, 1985 और 86 के दौरान ये क्या थे, उप कुलपति थे, उप कुलपति थे कहाँ के, रांची यूनिवर्सिटी के। अब उसमें कुलपति कौन थे, डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह, उसके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा, उसने बहुत काम किया है झारखंड का, वो भी एक विभूति है, ठीक है। उसके बाद ये 86 से 88 तक जब सुरेश कुमार सिंह रिटायर्ड हो गए तो ये कुलपति बने रांची यूनिवर्सिटी का, ठीक है, सबसे हेड प्रोफेसर। वो जो यूएसएसआर में भारत महोत्सव मैंने बताया था, वो 87 में हुआ था, 1987 ईस्वी में, जो यूएसएसआर में मैंने बताया था रशिया भारत महोत्सव जहां पे पाइका नृत्य का प्रदर्शन किया था और विश्व में पाइका नृत्य को एक पहचान दिलाया था, 1987 में मॉस्को में हुआ था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए ये नेता कैसे थे, 1991 से लेके 1998 तक झारखंड जेपीपी एक पार्टी है, अभी भी ये पार्टी है, ठीक है, जीतता उत्ता नहीं है, लोग नाम नहीं जानता है, झारखंड पीपल्स पार्टी, इसके अध्यक्ष थे 91 से 98 तक, कितने दिन तक, ठीक, किसी भी पार्टी चाहे एक ही छोटा ही पार्टी क्यों ना, उसको अध्यक्ष बनना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो 1991 से 98 तक झारखंड पीपुल्स पार्टी के संस्थापक भी थे और अध्यक्ष भी थे, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 2007 में इसे
पुरस्कार कौन से पुरस्कार मिला है? संगीत नाटक एकेडमी प्राइज, संगीत नाटक अकादमी प्राइज, अकादमी पुरस्कार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 2000 कब मिला ये पुरस्कार? 2007 में, 2010 में इसे, 2010 में इसे क्या पुरस्कार मिला है? पद्मश्री की पुरस्कार मिला इसे 2010 में, पद्मश्री की पुरस्कार मिला। वेरी इंपॉर्टेंट, किस क्षेत्र में मिला है ये तो सब कुछ है, समाज सुधारक भी है, समाज सुधार के क्षेत्र में नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, इसको एज ए कलाकार मिला है, पद्मश्री की पुरस्कार कलाकार, एज ए कलाकार मिला है, ठीक है। उसके बाद ये 2010 में ही जब पद्मश्री अवार्ड मिला तो 2010 में ही ये राज्यसभा में, राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए, एमपी बने, राज्यसभा के लिए मनोनीत, ठीक है, राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए और ये एमपी बने, इतना आपको याद रखना है। 2011 में अपोलो हॉस्पिटल में इसकी डेथ हो गई, ठीक है। बीजू टोपे नाम था, या अभी याद आया मुझे, जो जो इसके नाची थे, बाकी इसके जीवन हिस्ट्री पे मूवी बनाया था, उसका नाम था बीजू टोपे प्लस मेघनाथ, ये दोनों का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, इसको फेलोशिप, ये विद्वान तो थे ही, तो फेलोशिप इसको दो जगह से मिला था, ठीक है। फेलोशिप एक जापान फाउंडेशन, विदेशी विदेशी फेलोशिप, जापान फाउंडेशन से, फाउंडेशन से एक था अमेरिकन, एक था अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज, इंडियन स्टडीज इस संस्था से, ये दो संस्था से दो इसे फेलोशिप मिला था, फेलोशिप बोले तो मदद, मनी मनी मदद, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी का ये प्रोफेसर रहा है, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी कहाँ? केनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी केनबरा में ये विजिटिंग प्रोफेसर भी बने थे, विजिटिंग प्रोफेसर मतलब कुछ दिन के लिए, ये नहीं कि परमानेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 1997 ईस्वी में ये 1997 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो है रोम में, जिसकी हेडक्वार्टर है, आईएलओ के ये सलाहकार समिति के सदस्य थे, आईएलओ के सलाहकार समिति, सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। और क्या क्या है इसमें काम था भाई, देखिए 1997 से 2008 तक ये आदि भारतीय आदिवासी संगम के अध्यक्ष थे, भारतीय आदिवासी संगम एक आदिवासी एक संस्था था जिसका ये अध्यक्ष थे, जो आदिवासियों के कल्याण के लिए काम करते हैं। 1998 में ये फाइनेंस कमेटी के 1998 में भारत के वित्त मंत्रालय है ना, वित्त मंत्रालय के फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस कमेटी के सदस्य भी रहे हैं ये। कितने बड़े बड़े इसने काम किए हैं, कितने बड़े बड़े पोस्ट को इन्होंने संभाला है। 1990 ईस्वी में जो नीव राष्ट्र नीति है उसके, आप 1990 में राष्ट्र नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा नीति आकलन समिति के, शिक्षा आकलन समिति के सदस्य थे ये। तो ये कितने कितने पोर्टफोलियो को होल्ड करके रखा है। एक यूएसए में जो ये न्यूयॉर्क में एक यूनिवर्सिटी थे उसमें प्रोफेसर का काम किया था, उस यूनिवर्सिटी का नाम था सिराक्यूज, सिराक्यूज यूनिवर्सिटी, इसमें भी ये प्रोफेसर का, एज ए प्रोफेसर काम कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी इसमें, तो ये याद कर लीजिए। इसका शादी भी दो हुई थी, एक तो जब अमेरिका में रहते थे वहीं इस पर किसी लड़की से शादी कर ली थी, फिर बाद में आके इंडिया में इसका अमिता मुंडा नाम की लड़की से शादी हुई, और इसका बेटा देखिएगा बाल इतना बड़ा बड़ा अभी भी दिखता है, इक्कीर मुंडा नाम है शायद। धन्यवाद दोस्तों, इतना काफी है रामदयाल मुंडा के बारे में, नेक्स्ट वीडियो किसी और व्यक्तित्व के ऊपर लेके आ जाऊंगा। धन्यवाद आप लोगों का।